हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ तुम मुझे फायर करोगे, इसलिए मैंने खुद ही क्विट कर दिया। एक्सक्यूज मी। बड़ी बात हो गई आज, क्योंकि तुमने मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हैं। क्या बात है! ओ डियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि तुमने जॉब छोड़ दिया है। छोड़ तो दिया है, बस आपको थैंक यू कहने आई थी। आपने जो ड्रेस दी थी उसके लिए इसे क्लीन कर दिया। बहुत ईमानदार हो तुम, इसे ले जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आई एम सॉरी, एक्चुअली सब इतनी जल्दी हो गया कि बाय कहने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी मुझे गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे हेलो वेलकम कहना बहुत अच्छा लगता है। गुड बाय कहने से कहानी का दी एंड हो जाता है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। देखो, मुझे नाइंसाफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है नाइंसाफी। मैं निकलती हूँ, आप बिजी होंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से मेरे साथ कॉफी पिए बगैर तो नहीं जा सकती। पता है तुम्हें, मैं और मुराद आज लंच पर जा रहे हैं। तुम्हें रिजर्वेशन के लिए कहती, पर तुम्हें काम से निकाल दिया है ना। ओह, बड़े ही दुख की बात है। देखो, मुझे रोना आ रहा है। पहली बात, मुझे निकाला नहीं, मैंने क्विट किया था। और दूसरी बात, तुम्हें देखकर तो लगता है कि मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। ओ हया, तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। मुझे तुमसे हमदर्दी है। तो तुम मुराद से माफी की भीख मांगने आई थी ना? सही सोचा था, दिमाग खराब है तुम्हारा। इसीलिए मैं फिर से बताती हूँ, आराम से, धीरे धीरे, ओके? मैंने क्विट किया था, उन्होंने मुझे निकाला नहीं। निजात सर ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ काम नहीं करना है। हाँ हयात, मैं इसे सच मानती हूँ, पर तुम एक बात समझ लो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, और अगर कोशिश की भी तो इसका अंजाम तो पहले से ही भुगत चुकी हो। फिलहाल भले ही लोगों को ना पता हो, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने दिख ही जाएगा। आह, क्या कहा, मैं तो डर ही गई थी, तुम इतनी स्मार्ट हो, मैं तो भूल गई थी। वैसे जाने से पहले तुम बाय तो कहती ना, उम्मीद करती हो तुम फिर ना मिलो। ऊपर वाले मेरी दुआ सुन ले और इस औरत को उसके किए की सजा दे। उसने मेरे साथ बहुत ही गंदा गेम खेला, मुझ जैसी मासूम लड़की को कैसे फंसा लिया उसने। I'm sorry, किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, बस मुझे कुछ मत होने देना। हेलो, दो रुक सो। तुम हमेशा खुद से ऐसे बातें करती हो या फिर कभी कभी? फ्रीक्वेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो इतनी बातें नहीं करती हूँ, शायद अब भी पागल नहीं हुई हूँ। पर जल्दी हो जाओगी, हम दोनों को मुबारकबाद इसके लिए। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, अब एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। पर हाँ, बता दूँ कि मैंने खुद रिजाइन किया है। हाँ, मुझे पता है कि मेरे भाई के लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। चलो चलते हैं। कहाँ? ऐसे ही कॉफी पीते हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। भला तुमसे कौन डिस्टर्ब हो सकता है, हम बस बातें करेंगे। देखो, मैं दिखता नहीं हूँ पर बहुत अच्छा लिसनर हूँ। आ जाओ। बुरा मत माना, कॉफी ब्रेक है। तुमने क्यों तकलीफ ली? लोग कहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया कॉफी बनाती हूँ। बैठो तो। वाल, हाँ जरूरत तो है बैठने की, क्योंकि इतनी लंबी बात तो मैं खड़े खड़े नहीं कह सकती। मैं समझ गया था तुम कॉफी जो लेकर आई हो। बताओ, मैं सुन रहा हूँ।
ओ कहां से शुरुआत करूं मैं? सीधे मुद्दे पर आओ, अच्छा रहेगा। डीडीएम झूठी है, हयात बेकसूर है। शुगर? तो फिर सॉल्ट? अब पेपर? सिरप लोगी? चाहे तो विनेगर भी है। पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं कॉफी प्लेन ही पसंद करती हूँ। मैंने तो बस पूछा, कोई जबरदस्ती नहीं की। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ कमी सी है, जरा सुनिएगा प्लीज। अब क्या रह गया? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी सर, बोलिए। आप एक और कप कॉफी ले आएंगे प्लीज? जी सर। आप मुझे डराना चाहते थे क्या? नहीं, तुम्हें हंसाना था और मैं कामयाब हो गया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम माय डियर। उसके लिए नहीं, तुमने मुराद से बात की उसके लिए। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मैंने बस उन्हें सच कहा। तुम दोनों भाइयों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? ये बताना मुश्किल है। चलो देखते हैं हम इतने अलग क्यों हैं। मैं अपने पापा पे गया हूं और वो अपनी मम्मी पे। मेरा मतलब, मेरी दादी ने तो मुझसे यही कहा है। मैं खास इमोशनल नहीं हूं रूढ़ पर, भाई बहुत ज्यादा इमोशनल है। क्या कहा? मिस्टर मुराद और इमोशनल? मुझे लगा था तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो आसानी से मर्दों के जाल में फंस जाती हैं। हर कोई आंसू को इमेजिन करता है इमोशन के नाम पे। गुस्सा भी तो एक इमोशन ही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन। गिल्ट और पैशन भी तो इमोशंस ही हैं। पैशन तो समझ सकती हूँ, पर गिल्ट क्यों? देखो, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, पर ये उनकी अम्मी के डेथ से जुड़ा है। क्यों, उनकी मौत कैसे हुई? भाई को बचाते हुए। Laftan anlamaz.